नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं अनैत टीवी लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्राइम ब्रांच भोपाल ने ड्रग्स के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 दिवसीय अभियान के तहत ये कार्यवाही की है। ड्रग पेडलर्स पर छापामार कार्यवाही के दौरान डेढ़ दर्जन मामलों में 2 दर्जन आरोपी पकड़े गए। वही अभियान के दौरान 52 किलोग्राम गांजा, लगभग 100 ग्राम MD पाउडर मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। वहीं क्राइम ब्रांच एडिशनल DCP शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि ड्रग्स को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें ज्यादातर महिला ड्रग्स पेडलर्स पकड़ी गई हैं। शुरुआती दौर में 90% महिलाएं पकड़ी गई थी। भोपाल में गांजा और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ बेचने के लिए महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। महिलाओं का इस्तेमाल पुलिस की नजरों से बचने के लिए किया जा रहा है। दूसरे प्रदेशों से मादक पदार्थ लाने के लिए महिलाओं का उपयोग किया जाता है। क्राइम ब्रांच की सब पर निगाह है और लगातार कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष क्राइम ब्रांच 400 किलो गांजा, 36 किलो चरस, 132 पेटी कोडीन युक्त कोरेक्स कप सिरप पकड़ी है, जिसकी कीमत 14 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है। मध्य प्रदेश पुलिस और कमिश्नर भोपाल नशे के खिलाफ लगातार प्रयासरत इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमारे पिछले दिनों और वर्षों की कार्रवाई में परिलक्षित हो रहा है। ये जो छोटे छोटे नशे के पुड़ियों से लेकर पेडलर्स और बड़ी मात्रा में गांजे का परिवहन करने वाले, MD बेचने वाले लोगों के खिलाफ पिछले पखवाड़े हम लोगों ने अभियान चलाया गया था। इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक आरोपियों गिरफ्तार किए, इनमें 1.5 दर्जन से अधिक मामले हम लोगों ने कायम किए हैं। इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाएं पकड़ी गई हैं। जब शुरुआत का हम देखें, शुरुआत में जो पकड़े उसमें लगभग 90% महिलाएँ ही पकड़ी गई थी, तो हम ये इस आधार पर, इस आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि भोपाल में महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा है। महिलाओं की आड़ में ये तस्करी की जा रही, खासतौर से पुड़िया बेचने में महिलाओं का इस्तेमाल ही किया जा रहा है, ताकि पुलिस की नज़रों से, आम नागरिक नज़रों से बचा जा सके और एक शेड प्रोटेक्शन, इस तरह से जो कहना चाहिए ढाल के रूप में इनको इस्तेमाल कर सके। पहले हम देखते थे कि परिवहन के रूप में गांजा उड़ीसा, आंध्र और तेलंगाना या छत्तीसगढ़ एरिया से लाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था, पर अब जब ये इतनी सारी कार्रवाई, हमने 2 दर्जन से अधिक आरोपी पकड़े हैं, तस्कर पकड़े हैं, मादक पदार्थ के विक्रेता पकड़े हैं, इनमें काफ़ी बड़ी संख्या महिलाओं की, हर उम्र की महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसका हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि इस अपराध में अब महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। सिर्फ भोपाल के बारे में ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी कमोबेश यही स्थिति होगी। कितने करोड़ का सर ये होगा ड्रग्स? देखिए, जो हम लोगों ने करिए MD पकड़ा, विभिन्न मामलों में 100 ग्राम के लगभग MD पकड़ा, इसकी 10,000 से लेके 40,000 तक इसका जो ग्राम में लोगों बिक्री होती है फुटकर का, गांजे का भी कमोबेश यही स्थिति है कि वहाँ से 5 से 10 हज़ार रुपये किलो, जहाँ जैसी उपलब्धता होती है, जहाँ पुलिस की जैसी शक्ति होती है, माल की उपलब्धता होती है, उस हिसाब से वहाँ रेट तय होते हैं। और करीब 1 किलो गांजे में लगभग ये लोग 40,000 रुपये का मुनाफा कमा लेते हैं, छोटी छोटी पुड़िया बनाकर। कौन कितना ज़रूरतमंद है, उस हिसाब से इसकी कीमत तय होती है। जब सख्ती हो जाती है पुलिस की, तो और इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हम लगाएं तो 15 से 20 लाख के करीब इस मामले हम लोगों ने जब्त की। इसमें दौरान हम जब गाड़ियों में परिवहन होता है, मोटरसाइकिल, कार है, वो भी हम लोग जब्त करते हैं। इनको बाद में रास्ता की कार्रवाई इन पर की जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे अनंत TV लाइव के साथ। नमस्कार।